23 तारीख कॉरपोरेशन का मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन होने वाला है। वो इलेक्शन में नाजायज 4 MLC और एक राज्यसभा मेंबर वोट डालने वाला है। 4 नॉन लोकल MLC है ना, मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, आप चारों जने गुलमर्ग के लिए क्या खर्चा किए? वो चारों MLC का नाम बताता हूँ मैं, लक्ष्मण सऊदी, भारती शेट्टी, तुलसी मुनिराजू और रघुनाथ मलकापुरे। ये 4 जने है ना, 4 MLC का नाम नहीं है, आप सिर्फ वोट करने आ रहे हैं, चारों जने MLC और एक राज्यसभा मेंबर, आप कहाँ खर्चा किए वो पब्लिक को बताना, बता के आप वोट करना। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। आज का दिन हॉट टॉपिक है, क्या बोले तो 23 तारीख कॉरपोरेशन का मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन होने वाला है। वो इलेक्शन में नाजायज 4 MLC और एक राज्यसभा मेंबर वोट डालने वाला है। वो लोगों का प्रूफ मैं रिलीज कर रहा हूँ, बोले तो वो लोग नॉन लोकल है, सिर्फ मैं लोकल हूँ बोल के रेंट अग्रीमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करके वोटिंग पावर लिए सो है। मेरे पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड प्रूफ है कि वो लोग नॉन लोकल है बोल के, मैं वो आपको रिलीज करने वाला हूँ, सब कलबुर्गी लोगों के लिए, आवाम के लिए। मैं आप देखिए, ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम का फोटो है, हाँ बोले तो कौन से भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम करते हैं DC ऑफिस से, उधर एक प्रोटोकॉल तहसीलदार बोल के रहते हैं, प्रोटोकॉल तहसीलदार कौन सा भी प्रोग्राम करें दो जिला में सिटी में, वो कौन कौन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका लिस्ट देते हैं, वो लिस्ट के ऊपर सबको इनवाइट करना, वो प्रोग्राम को कंपलसरी बोल के रहता। आप ये लिस्ट में देखिए, इधर ये लिस्ट में कौन 4 नाजायज MLC है ना, वो वोट करना आ रहे कलबुर्गी का लोकल है बोल के ना, वो चारों लोगों का नाम नहीं है। वो चारों MLC का नाम बताता हूँ मैं, लक्ष्मण सऊदी, भारती शेट्टी, तुलसी मुनिराजू और रघुनाथ मलकापुरे। ये 4 जने है ना, 4 MLC का नाम नहीं है, और एक राज्यसभा मेंबर है लहर सिंह बोल के, उनका भी नाम नहीं है। आप देखिए ये लिस्ट में, बोले तो ये एक ही नहीं इन्विटेशन, मेरा पास 10 प्रोग्राम का इन्विटेशन है एक साल से, लास्ट कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ ना उससे अब तक गुलबर्गा सिटी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम किए ना, वो सबका इन्विटेशन मैं आपको रिलीज कर रहा हूँ। हाँ, कौन कौन सा प्रोग्राम बोले तो इंडिपेंडेंस डे 2022 का और 2023 का, रिपब्लिक डे और कल्याण कर्नाटक उत्सव बनाए लास्ट 15 दिन पहले उसका, और उससे पहले हैदराबाद कर्नाटक विमोचन दिनाचरण बनाए उसका, ऐसे सारे बहुत सारे प्रोग्राम में कहाँ भी वो लोगों का इनविटेशन में नाम नहीं है। क्यों बोले तो वो लोकल के रहते, बोले तो तहसीलदार कौन प्रोटोकॉल रहते हैं ना DC ऑफिस में, उन्हें सीधा सीधा लिस्ट देते और उनको भी इनविटेशन कर देते और उनको भी गेस्ट बोल के डालते। आप इधर देखिए, सभी MLC को डाले सो है, कौन कौन, सुनील वल्लापुरे, BG पाटिल, सुशील नमोशी, चंद्रकांत पाटिल हमनाबाद, साइबरनाथ तलवार बोल के, ये 5 जने MLC का डाले सो है, बट ये 4 जने MLC का नहीं डाले सो है। ये सीधा मैं प्रूफ आपको रिलीज किया हूँ। वो छोड़ के भी कॉरपोरेशन इलेक्शन हो रहा ना, मेयर डिप्टी मेयर, उसमें टोटल वोटर लिस्ट बनाया सो है कॉरपोरेशन वाले, RC सर को सबमिट किए सो है, टोटल 70 मेंबर, 70 मेंबर्स का, 70 मेंबर में उनका हिसाब से मैं बताया ना, 4 MLC बाहर का नॉन लोकल और एक राज्यसभा मेंबर नॉन लोकल लहर सिंह, ये 5 नंबर का पकड़ के BJP के साथ पास 35 वोटर्स है, 35 उनका बलाबल 35 है और नॉन BJP का भी 35 है, बोले तो दोनों का इक्वल हो रहा, नॉन BJP नॉन BJP में कांग्रेस का 31 हो रहा और JDS का 4, कांग्रेस में 31 में 28 जीते सो, एक MLA खनिश फातिमा मैडम और एक MP मल्लिकार्जुन खड़गे जी और एक चंद्रशेखर पाटिल MLC, तीनों मिला के 28+3=31 हो रहा और 4 JDS 35 हो रहा। और रही बात BJP का 22 लोग जीते कॉरपोरेटर, अभी 13 उनका MLA MP MLC है, MP में एक लोकल है एक नॉन लोकल है, लोकल उमेश जाधव, डॉक्टर उमेश जाधव जी है और नॉन लोकल लहर सिंह जी है। और रही MLC में 5 लोकल है, ये टोटल कितना है बोले तो 13 है, उसमें
MLC देखिए 8 है, 4 लोकल 4 नॉन लोकल। 4 लोकल बोले तो बीजी पाटिल नमोशी जी और सुनील वल्लापुरे बाबराव चिंचनसूर, ये 4 लोकल है। और नॉन लोकल का तो ये 4 में बताया, लक्ष्मण सऊदी, भारती शेट्टी, तुलसी मुनिराजू और रघुनाथ मलकापुरे। आप कहाँ भी पूछिए गुलबर्गा में, कौन से भी पॉलिटिशियन को पूछिए, सभी MLC क्या करते बोले तो उनका करोड़ों रुपए फंड रहता साल को, वो फंड क्या करते उन्हों खर्चा करते, उन्हों कहाँ रहते लोकल और आजू बाजू कॉन्स्टेंसी में कहाँ उन्हों कंटेस्ट करते रहते, ग्रेजुएट है बोले तो कितना ग्रेजुएट कॉन्स्टेंसी में तालुका आता जिला आता उसको खर्चा करते, शिक्षक रहा टीचर्स वो है तो कितना तालुका जिला आता ना उधर खर्चा करते, नमोशी जी भी वैसे ही करते और ग्रेजुएट का चंद्रशेखर पाटिल कांग्रेस उन्होंने भी वैसे कर रहे, बीजी पाटिल सर भी स्थलीय संस्था बोले तो कौनकोना चुनावित प्रतिनिधि से जीते ना उन्होंने कॉरपोरेटर झड़पी और विलेज के ग्राम पंचायत मेंबर के उधर खर्चा कर रहे ये लोग सभी, सुनील वल्लापुरे जी भी कर रहे। बट ये 4 नॉन लोकल MLC है ना, मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ आप चारों जने गुलबर्ग के लिए क्या खर्चा किए, वो फंड MLC फंड, आप सिर्फ वोट करने आ रहे चारों जने MLC और एक राज्यसभा मेंबर, आप कहाँ खर्चा किए वो पब्लिक को बताना, बता के आप वोट करना, नहीं तो हम लोग सभी कलबुर्गी के वोटर से कॉरपोरेशन में लिमिट में आते ना आप सब हमको सीधा सीधा पूछ रहे और बोल रहे कि आपका हक नहीं बनता है आप नॉन लोकल है बोल के, वो भी एक उनका साजिश है BJP का। वो छोड़ के भी थर्ड वन गुलबर्गा में इतना सारे MLC MLA सभी मिलके कितना हो रहे बोले तो BJP का 13 हो रहे MP MLAs MLC और कांग्रेस का 3, टोटल 16 लोग बीजेपी टोटल गुलबर्गा में MP MLA MLC है बोले तो बहुत बड़ा बात है, कहाँ भी कर्नाटक में इतना लोग नहीं है। फिर कहाँ है गुलबर्गा डेवलपमेंट हुआ आज, आप देख रहे गुलबर्गा कैसे है बोल के, अच्छा पीने का पानी नहीं मिल रहा, फिर आप 16 लोग हम है बोल के वोटर में एनरोलमेंट करके वोट करने आ रहे सभी वोट कर रहे बोले तो गुलबर्गा कहाँ पे है। BJP गए MLA इलेक्शन में बताया था कि हम स्मार्ट सिटी करेंगे गुलबर्गा और डबल इंजन सरकार होगा, सेंट्रल में मोदी है स्टेट में BJP आए तो हम डबल स्मार्ट सिटी करेंगे बोल के, स्मार्ट सिटी कहाँ है भाई आपका, 5 साल से लोग इंतज़ार कर रहे स्मार्ट सिटी ने कुछ नहीं, सिर्फ सब लोग पैसा कमाना भ्रष्टाचार करना, उन्होंने उनका घर में पैसा जमा करने का छोड़ के उनका फॉलोअर का घर में पैसा जमा करना छोड़ के कुछ भी नहीं किया। हम कंडेम करते हैं कि आप लोग सियासत को एक बच्चे का खेल बोल के समझ के बच्चे का खेल खेले सरकार कह रहे, ये पब्लिक का श्राप है आप लोगों को, क्यों बोले तो सभी पब्लिक वोट डाल के कॉरपोरेटर को चुन के लाए से रहते, कॉरपोरेटर मेयर को चुनते, ये सीधा सीधा है। वो छोड़ के आप इलीगल तरीके से मेयर बनना बोल के BJP आपका श्रम कर रहे हैं, इलीगल वे से आप जीत के अधिकार पकड़ना बोल के चाह रहे, ये हम कलबुर्गी के आम नागरिक हम इसके अगेंस्ट है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ।